Good morning, students. Welcome back to my channel. Today we are going to read chapter number 11, Croc, of your English book. Actually, this is a play and we have done page number 86 in the last video. Today I am going to make another video of the chapter. So let's start. In the previous page, we read that the animals in the jungle saw a newspaper and they wanted to start their own newspaper for the jungle for later subjects. Now let's see the further what they did for this. Keep your fingers on the line. Now if you all want a newspaper, then let us start working. We need a chief and a few writers. मतलब अगर हम न्यूज़पेपर स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए, एक चीफ चाहिए जो कि मुख्य हो और एक राइटर चाहिए जो हेड हो और एक राइटर जो कुछ राइटर्स चाहिए जो लिखे जो भी उसमें मैटर होगा न्यूज़पेपर में. ठीक है. ऑल बर्ड्स इन कॉरस, सभी बर्ड्स एक साथ बोले व्हाई डू वी नीड देम टेल अस मोर. मतलब कि हमें ये सब क्यों चाहिए, हमें और बताओ. Owl, the chief is the most powerful. He takes the final decision just as a judge does for a singing competition. Owl बोला कि जो chief होता है ना, जो head होता है, head of the department होता है, वो बहुत powerful होता है. वो सारे decision लेता है, जैसे कि एक singing competition हो उसमें judge decision लेते हैं, वैसे ही chief decision लेता है. तो द राइटर्स कलेक्ट स्टोरीज फ्रॉम ऑल एरियाज दैट नीड अटेंशन. व्हाई डू यू थिंक शुड बी द चीफ देन, सॉरी, थिंक ऑफ समवन द एनिमल किंगडम विल नेवर सस्पेक्ट. अब उन्होंने कहा कि जो राइटर है वो स्टोरीज कलेक्ट करेगा अलग अलग एरिया से, जिस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने की जरूरत होगी उसके बारे में मतलब स्टोरीज इकट्ठे करेगा. फिर वो कह रहे हैं कि व्हाई डू यू थिंक शुड बी द चीफ, थिंक ऑफ समवन द एनिमल किंगडम. वो कह रहे हैं कि यही क्यों सोच रहे हो कि चीफ ही हो अपने जो हमारे जो एनिमल किंगडम है उसमें से, क्यों नहीं मतलब हम किसी को चुन लेते. पिकॉक, आई एम द प्रीटीएस्ट ऑफ यू ऑल, I should get the chief's position. पीकॉक बोला कि मैं आप सब में से सुंदर हूँ और मुझे पोजीशन मिलनी चाहिए, मुझे जो चीफ है उसकी जो पोजीशन है वो मुझे मिलनी चाहिए. The nightingale, you are too proud. We cannot trust you to hold such a powerful position. Let me be the chief, the one with the sweetest voice. अब नाइटिंगेल ने कहा कि आप जो यू आर टू प्राउड, तुम्हें बहुत घमंड है, हम आप मतलब कि हम आप पर विश्वास नहीं कर सकते, इतनी बड़ी पोस्ट देने के लिए, इतनी पावर देने के लिए हम आप पर विश्वास नहीं कर सकते. वो उसने कहा कि मैं ही क्यों ना बन जाऊं चीफ, मेरी इतनी प्यारी आवाज है, मैं ही क्यों ना बन जाऊं. देन आउल, माई डियर नाइटिंगेल, वी बोथ Stay awake at night. उसने कहा कि हम दोनों, नाइटिंगेल को बोला कि हम दोनों रात को जागते हैं. And share a special friendship. और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं. We see things when the others are asleep. हम वो तब भी जाग रहे होते हैं जब सारे सो रहे होते हैं, हम तब भी देखते हैं सभी को. Let us be writers and write interesting stories about the jungle. वो कह रहा कि क्यों ना हम राइटर हों और हम जंगल के बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरीज लिखें. फिर क्या हुआ, ऑल द बर्ड्स गेट अ मिनट ईच टू प्रूव व्हाई दे शुड बी द चीफ ऑफ द न्यूज़पेपर. मतलब हर जो बर्ड था उनको एक एक मिनट दिया गया ये प्रूव करने के लिए कि उनको ही क्यों चीफ बनाया जाना चाहिए न्यूज़पेपर के लिए. नाउ कम टू दिस नेक्स्ट पेज, दिस इज सीन टू.
in this stock. Let us vote for the children of Marsh the Frog. Their strong army is spread across the jungle. They croak loud enough to gather us all at once. Now, first of all, you know the meaning of marsh. Marsh means वो दलदल वाला एरिया जो दलदल में रहते हैं, मतलब गिली सी जगह जैसी होती है, लो वेट एरिया, जहां भी बिल्कुल भी गीला नहीं होता, सूखा गीला सूखा एक जैसा होता है जैसे. लेट अस वोट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ मार्श द फ्रॉग. उन्होंने कहा कि हम फ्रॉग्स को क्यों नहीं चुनते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं और पूरे जंगल में फैले हुए होते हैं, और ये इनकी आवाज जो क्रॉक करते हैं ना, इतनी ऊंची आवाज में करते हैं, ये हमें सभी एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं. द नरेटर, द बर्ड्स विस्पर, सम से दैट फ्रॉग आर नॉट इवन बर्ड्स, सो व्हाई गिव देम द चीफ्स रोल, देयर इज नॉइज एंड अनइजीनेस. कुछ ने कहा कि जो फ्रॉग्स हैं वो बर्ड्स नहीं है, तो हम इनको क्यों चीफ बनाएं, इनको चीफ का रोल क्यों दें. इसी चीज का वहां पे शोर मच गया. ठीक है, द आउल हूट्स एंग्रीली, जो आउल था वो बड़ी जोर से उस चिल्लाया गुस्से के साथ. आउल, आई नीड पीस हियर, मुझे यहाँ पे शांति चाहिए. आउल कहता है कि मुझे यहाँ पे शांति चाहिए, और एल्स वी विल नॉट हैव अ न्यूज़पेपर एट ऑल, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम न्यूज़पेपर बना ही नहीं पाएंगे, न्यूज़पेपर मिल ही नहीं पाएगा हमें. All the birds became quiet at once. The army of frogs blushes with excitement. अब सभी जो थे वो चुप हो गए, और जो frogs थे, frogs तो काफी थे, बहुत सारे मात्रा में थे, तो वो सारे खुश हो गए, excited हो गए. Owl, here is my final decision about the newspaper. The ants, bees and bees will write the inspirational stories about their hard work. आउल कह रहा है कि अब मेरा फाइनल डिसीजन आ गया न्यूज़पेपर बनाने के लिए, और उसने सभी को ड्यूटीज दे दी कि कौन क्या क्या करेगा. अब देखो, आंट और बीज को उसने क्या दिया कि आप इंस्पिरेशनल स्टोरीज लिखो, जिससे आप अपने हार्डवर्क की स्टोरीज लिखो, ताकि बाकी भी मोटिवेट हों आपके हार्डवर्क को देख के. द कुकू विल राइट पोएम्स, और कुकू को जो कोयल है उसको बोला आप पोएमें लिखो, पोएम्स लिखो. क्रोज स्टॉक्स Seagulls and sparrows will be our daily writers. ये daily कुछ ना कुछ लिखेंगे. Peacock will write stories on fashion and beauty. और peacocks को क्या duty दे दी कि आप fashion पे और beauty के बारे में, सौंदर्य के बारे में stories लिखोगे. The rest of the birds will help the writers. जो बाकी birds बच गए हैं वो writers की help करेंगे. The chief of the newspaper will be the frogs. जो चीफ है ना न्यूज़पेपर का, वो frogs ही होंगे. Yes, I know they are not birds, but they sing just like us. And even though they live among the fishes, I would like the newspaper to be called the croak. उसने कहा कि मुझे पता है कि जो फ्रॉग्स हैं वो बर्ड्स नहीं हैं, लेकिन वो हमारी तरह ही बोलते भी हैं, और मैं चाहता हूं कि हमारी जो न्यूज़पेपर है उसको क्रॉक बोला जाए, द क्रॉक. द बर्ड स्वीट इन एग्रीमेंट, द फ्रॉग जंप एंड क्रॉक टुगेदर. और वो उन्होंने, बर्ड्स ने ट्वीट कर दिया, मतलब वो भी फ्रॉग्स खुशी के मारे, फ्रॉग ने जंप किया और क्रॉक करने लगे, और उन्होंने छोटी सी साउंड दे दी, बर्ड्स ने ट्वीट किया जैसे यस, अपनी तरफ से हामी भर दी कि हाँ ठीक है. तो फ्रॉग्स जो थे वो खुश हो गए, और फिर ऐसे वो चीफ बन गए. इंटरेस्टिंग स्टोरी ना बेटा. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल.